का धन्यवाद करना चाहूँगा, मुझे इतना प्यार दिया, मेरे वीडियोस को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया और पिछले 3 दिनों में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मेरे को मिला। और अभी जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि अभी मेरा स्टार्टिंग फेज़ है वीडियो बनाने का, वीडियो एडिटिंग का, तो मैं काफ़ी सारी नई चीज़ें सीख रहा हूँ। कैमरे को कैसे यूज़ करते हैं वो भी एक अलग ही आर्ट है, तो अभी धीरे धीरे उसके ऊपर भी मैं काफ़ी स्टडी कर रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इसी तरीके से प्यार जो है अपना देते रहिए मुझे, और चैनल को आगे जो मेरे वीडियोस हैं उनको देखते रहिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो भी मेरे नए वीडियोज़ आएँगे। तो आज जो है मैं बात करना चाहता हूँ आपसे कुछ ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस से रिलेटेड। तो ये मैंने आज जो ब्लॉग है ये बनाना डिसाइड किया क्योंकि मैं एक काफ़ी अच्छे यूट्यूब चैनल है माउंटेन ट्रैकर करके, तो दिल के एक लड़के हैं वरुण करके नाम है उनका, तो वो चैनल चलाते हैं और वो ट्रैवल चैनल है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं वो। तो अभी रिसेंटली उनका एक वीडियो था कनाडा में, तो उस वीडियो के अंदर उन्होंने दिखाया है कि कैसे जो लोग हैं कार रेंट कर सकते हैं। IDP आपको मस्ट चाहिए होता है जब इंडिया से यहाँ आते हो कार रेंट करने के लिए। कुछ कंपनीज़ हैं, कई बार आपका तुक्का लग जाता है तो वो आपको जो है दे देते हैं, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है आपकी IDP लेके आएँ। और दूसरा, उस वीडियो में एक सबसे बड़ी कमी जो मेरे को लगी वरुण जी की, वो ये थी कि उनको रूल्स रेगुलेशन का नहीं पता था और जो उनके पीछे लोग बैठे थे वो उनसे रूल रेगुलेशन पूछ रहे थे। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप ऐसा कभी भी ना करें, जब भी आप मतलब इंडिया से बाहर ट्रैवल करते हैं तो पहले रूल रेगुलेशंस देख के फिर ट्रैवल कीजिए। तो आप चाहें तो मैं आपको जो है उस वीडियो का लिंक जो है भेज सकता हूं जहां पे उन्होंने वरुण जी ने कार हायर की थी और उन्होंने जो है वहां से उन्होंने एक शॉर्ट ट्रिप था उनका, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप शॉर्ट ट्रिप भी करते हैं या लॉन्ग ट्रिप करें, यहां पे यूजुअली ट्रैफिक बहुत फास्ट रहता है इंडिया से अगर कंपेयर करें तो। 2 साल पहले मेरे 2 दोस्त भी आए थे यहाँ पर और दोनों जो है पायलट हैं उसमें, लेकिन दोनों जो है यहाँ पे आने से पहले अपने रूल रेगुलेशन जो है पहले पढ़ के आए थे और उस टाइम पे मैं ड्राइविंग लाइसेंस जो यहाँ पे थ्योरी एग्ज़ाम था वो उसकी प्रिपरेशन भी कर रहा था, तो उसे एक बेनिफिट हुआ कि यहाँ पे उनको मैं जब भी वो ड्राइव कर रहे थे मैं उनको गाइड कर रहा था। लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस है, तो जो भी लोग इंडिया से ट्रेवल करते हैं मैं उनको कुछ बेसिक रूल्स यहाँ के बताना चाहूँगा कि जिससे कि आपका यहाँ पे इंडिया से बाहर जब भी आप अपोजिट साइड में ड्राइव होता है, जैसे यूरोप हुआ, तो वहाँ पे जो मिनिमम जो ट्रैफिक सेट ऑफ रूल्स हैं वो आपको पता हो और आप यहाँ पे आके गलती ना करें। क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट एक बार अगर आपका हो गया ना तो उसका मतलब है कि आपकी जान भी जा सकती है, मतलब इट्स नॉट फनी। आपको लगता है कि नहीं एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी में सेफ्टी भी होती है, नहीं, लेकिन गाड़ियाँ इतनी तेज़ चलती हैं कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो सब वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो बी ए रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर ऑलवेज़, और इंडिया से बाहर आते हैं स्पेशली इंडिया के अंदर भी। और मैं आपको जो है कुछ मिनिमम बेसिक रूल्स अब बताता हूँ। प्रायोरिटी कि किसकी प्रायोरिटी है क्रॉस जंक्शंस के ऊपर। अभी जो है हम राइट हैंड साइड के ऊपर चल रहे हैं, तो जैसे देखिए अभी एक कार आई, इसने राइट टर्न लिया और यहाँ पे कोई भी प्रायोरिटी साइन नहीं था, जिसका मतलब है राइट बिफोर द लेफ्ट रूल अप्लाई होता है। मतलब अगर उसको लेफ़्ट लेना होता, अगर राइट से कोई आ रहा होता तो उसे वेट करना होता जब तक कि वो बंदा पास ना हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल इस साइड में जो है 30 जोन के ऊपर एक क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पे 30 की स्पीड लिमिट जो है इस पॉइंट से ख़त्म हो जाती है और आप 50 की स्पीड पे ड्राइव कर सकते हैं। तो इन सिटीज़ जहाँ पे लिखा नहीं होता, वहाँ पे जैसे ही आप सिटी के अंदर घुसते हैं
जैसे कि फॉर एग्जांपल ये साइन लगा हुआ है, इसके ऊपर सिटी के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ से सिटी ख़त्म हो गई और 50 की लिमिट जो है ख़त्म हो गई है। और जब आप अंदर आते हैं तो अंदर आते हैं उसका मतलब है कि 50 की स्पीड जो है आपकी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि सिटी स्टार्ट हो गया है। तो प्रायोरिटी के लिए आपको कौन सा साइन देखना पड़ेगा? तो फॉर एग्जांपल ये जो उल्टी ट्रायंगल लगी है इसका मतलब होता है टू गिव वे। तो अगर ये साइन है तो इसका मतलब कि आपको रास्ता देना पड़ेगा। अब जो है मैं आपको एक राउंड अबाउट के ऊपर प्रायोरिटी का सीन बताता हूँ कि क्या है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी राउंड अबाउट के अंदर एंटर होने वाला होता है उसको पहले प्रायोरिटी देनी होती है लेफ्ट से जो भी लोग आ रहे हैं। तो जैसे लेफ्ट से अभी ये गाड़ी आई लाल रंग की, अगर मैं यहाँ पे इस राउंड अबाउट में एंट्री कर रहा हूँ तो मुझे जो है उसको पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जब वो निकल जाएंगे उसके बाद ही मैं जो है निकल सकता हूँ। और जहाँ से भी मैं एग्ज़िट करता हूँ राउंड अबाउट के ऊपर, वहाँ पे मेरे को जो है इंडिकेटर देना पड़ेगा राइट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से फर्स्ट एग्ज़िट करता हूँ तो मेरे को राइट इंडिकेटर देना पड़ेगा। और ये जो साइन है यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये गिव वे का है, लेकिन गिव वे का जो लोग यहाँ पे साइकिल और पैदल आते हैं उनके लिए है कि आपको पहले जो है रास्ता देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, तो गाड़ी वाले के लिए मस्ट नहीं है कि वो रुके, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग जो है जो भी साइकिल पे है या पैदल पे है, अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग ना हो तब भी उसे जो है लोग यहाँ पे प्रायोरिटी करते हैं। अब देखिए जैसे गाड़ी आए, यहाँ से लेफ्ट से गाड़ी आ रही थी वो रुक गए, अब दोनों निकल गए क्योंकि लेफ्ट से खाली था, और अब ये आगे जहाँ से एग्ज़िट करना है वहाँ पे इंडिकेटर दे करके और एग्ज़िट कर देंगे। तो ये है आपका राउंड अबाउट रूल शॉर्ट में।